कि आपको इस तरह का वीडियो पूरे YouTube में नहीं मिलेगा जिस तरह से हम ट्रेसिंग यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। ठीक है, एक आईफोन लेवल पे हम आपको ट्रेसिंग समझा रहे हैं। आना क्या रहा आपका, कि डिसीजन नहीं ठीक नहीं रहा है सर, कि नहीं बहुत रहा? अच्छा रहा। वैसे मेरा फ्रेंड भी पहले यहाँ पर आके गया, उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप जाओ वहाँ पर, बहुत अच्छा सिखाएंगे आपको। तो अच्छा, मुझे लग रहा कि मैंने मतलब अपने पैसे वेस्ट नहीं किए, यहाँ पर आके बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। बहुत अच्छा। अपने सेक्शन हुआ भी नहीं नहीं है, नहीं सर, सेक्शन का हुआ है क्या अपना? नहीं नहीं फिर अभी भी नहीं स्पीकर में हुआ। अगर मैं बोलता हूँ तुमसे कि किसी भी फोन का नीचे की बॉटम कनेक्टर टूटा टूटा हो, हुआ तो कर देंगे सर अच्छे तरीके से। हाँ सर, बी टू बिल्कुल बी केबल टूटा हो, बिल्कुल सर, आईसीयू के आसपास के कंपोनेंट से तुम स्पीकर बजा दोगे? बजा देंगे। ये तुमने यहाँ कुछ प्रैक्टिकल किया है हाँ सर, यहाँ? ये बताओ। मैं मोबाइल में कुछ लाके डिफरेंट करना चाहता था, जो एडवांस लेवल का हो। वो नहीं, वो तो आई सी लगाने वाले वो बैठे हैं, वो नहीं, कुछ डिफरेंट। जो फॉल्ट फाइंडिंग आती है वो मेरे से मोबाइल वापस ना जाए शॉप से, ऐसी फाइंड ऐसा सिग्नल चाहते। वो कौन सा आता था? वो एशिया टेलीकॉम तो यहाँ पर आपको मिला? मिला चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है और अभी नंबर वन बनने वाले स्टूडेंट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम आपका चैनल। मेरे साथ में है मेरे एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट 28 दिसंबर के। आपका नाम बताओ? मेरा नाम जाहिद है, और राजस्थान से हूँ। राजस्थान से। जाहिद बताओ, आज आप क्या दिखा रहे हो यहाँ पर? हमारे एशिया टेलीकॉम के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो देख रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हो? मेरे पास आईफोन 5 है, इसकी पावर काम नहीं कर रही है। आईफोन 5 है, उसका पावर की काम नहीं कर रहा है, जैसे आपने यहाँ पर दिखाओ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसकी पावर की को दबा रख रहे हैं और ये हमारा ऑन नहीं हो रहा है। इसको ही चेक करवाने के लिए इसके क्योंकि बहुत से दोस्त ये सोच रहे होंगे कि भाई हमने बैटरी लगाई है कि नहीं लगाई है, डिस्प्ले सही होगा कि नहीं होगा, पावर की, क्योंकि एडिक्टेबल वीडियो सब लोग समझते हैं। तो इसके लिए हम इसकी पावर की के करेक्टर पे वोल्टेज चेक कर लें, ये तो बिल्कुल सही होगा। जिसके लिए हम क्या क्या यूज करेंगे आज बताओ। चलो मुझे बताओ कि इस आईफोन को बनाने के लिए आप क्या क्या चीज का यूज करोगे एज अ टेक्नीशियन? एक माइक्रोस्कोप है, सस्ता है, बढ़िया है, ये माइक्रोस्कोप यूज करेंगे हम। हाँ। तो दोस्तों ये देखिए, आप ये माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया एक आइटम है और ये काफी सस्ता है। कितने का है ये माइक्रोस्कोप? ये 2800 रुपए का। 2800 रुपए का है, काफी अच्छा काम हो रहा है। तो यहाँ पर ये आपको आईफोन का इसके सर्किट लेवल पे यहाँ पे आपको काम बताएंगे। दूसरे नंबर पे हम क्या यूज करेंगे? पीवी यूज करेंगे। पीवी यूज करेंगे यहाँ पर, ये पीवी मतलब फोन बोर्ड करके एक जो आया है, आप देख रहे हो जैसे काफी वीडियो आ रहे हैं, तो ये सारी हम चीज यूज करेंगे। तो एक बार इसको इसका डिस्प्ले थोड़ा उठाओ, जरा इसका डिस्प्ले इस बार उठाओ यहाँ पर। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने उठाया, अब उठाने के लिए सत्संग कप का यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी हम इसको यहाँ पे भी बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे हमारी बैटरी लगी हुई है, हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। चलो ठीक है, अब एक्सप्लेन करना चालू करो। यहाँ पे बताओ कि पावर की का, बैटरी का, सारी चीज बताओ यहाँ पर। ये बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है, ये पावर की का कनेक्टर लगा हुआ है ऑलरेडी। तो सबसे पहले अपन बैटरी निकाल लें। हाँ, सबसे पहले बैटरी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने बैटरी निकाल ली है। अब उसके बाद में ये पावर की का सेक्शन है जो कि अप डाउन होता है और वाइब्रेट की भी होती है इसमें। मतलब यहाँ पे पावर की केबल लगी हुई है। पावर की केबल है, कहाँ जा रही है पावर की केबल? इधर से या फिर इधर, ये पावर तो की। एक काम कर लो, पहले बोर्ड को है ना निकाल लो बाहर। हाँ। और उसमें फिर यहाँ पे पावर की केबल और कनेक्टर थोड़ा समझाओ। निकालिए, मतलब डिसेम्बल कीजिए फोन को। ये फोल्डर हमने अलग कर लिए, हमने फोल्डर अलग करने के लिए कितने कनेक्टर निकाले हमने ये भी समझा थोड़ा सा। यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए तीन कनेक्टर निकाले हैं, तीन कनेक्टर निकाले हैं। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहे हैं तीन कनेक्टर। चलिए ठीक है, अब इस पे चेक करेंगे। तो अब यहाँ पर अब इसका पावर की का केबल बताओ यहाँ पर कहाँ पर है पावर की का केबल? पावर की का केबल ये है, देखिए ये आपको पावर की का केबल यहाँ पे दिख रहा होगा। और इस ये एंटीना निकाल लेते हैं, ये देखिए एंटीना निकाल लो इस पर। ठीक है, ये देखो पावर की। अच्छा ये बताओ, इससे पहले आपने आईफोन पे काम किया है? नहीं। ट्रेसिंग किया इससे पहले कभी? नहीं, नहीं नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम है आपका? फर्स्ट टाइम। ठीक है, मतलब ये सीख के कर रहे हो ना यहाँ पर? ठीक है, चलो ठीक है। ये देखो पावर की का जैक, तो यहाँ पर ये देखिए ये छोटा सा जो कनेक्टर दिखा रहा है पावर की का कनेक्टर है। तो इस पर जैसे कि मैंने बताया था कि किस तरह से वोल्टेज चेक करना है, तो एक बार यहाँ पे दिखाओ। तो फोन का बोर्ड हमें निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसके ऊपर रख लीजिए और उस पर बैटरी लगाइए और यहाँ पे पावर की कनेक्टर पे वोल्टेज चेक करो। और यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर को बताओ कि वो कनेक्टर पे यहाँ पर कौन से पिन पे आपको चेक कर रहे हैं आप यहाँ पे। पहले बोर्ड को यहाँ पे लगा लो सामने पीवी में। तो देखिए दोस्तों क्लियरिटी आप देखिए कि बहुत अच्छी क्लियरिटी है, आप ये खरीद सकते हैं, दिल्ली में आपको बहुत सारी शॉपों में मिल जाएगा। देखिए ये कनेक्टर है हमारा, यहाँ पे आपको दिख रहा है,
सो और इस कनेक्टर के ऊपर आसपास हमने ये टेप हटाया गया है, यहाँ पर पेस्टेट का ये टेप लगा होता है, ये भी हमने हमारे स्टूडेंट ने क्लीन किया है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे बताओ कि इस कनेक्टर पे जो पिन होती है वो पिन को किस तरह से हमने डिफाइन किया हुआ है और कैसे हमने ढूंढा, बताओ। इसके लिए पीवी यूज किया है। पीवी यूज किया है, ये पावर की कनेक्ट जैक है। और ये इस पे कनेक्टर का पिन पे सप्लाईओ का नाम क्या है इसका, अगर हम इसको टच, इसको सब पकड़े रहो, उसको टच करे रहो वहाँ पर, तो ये सप्लाई का नाम बताता है होल्ड की। ये होल्ड की है, मतलब जो पावर, जो आईफोन होता है उसमें पावर की सप्लाई कौन सी होगी, होल्ड की होगी। तो अब इसमें आपने क्या चेक करना है, इसमें वोल्टेज चेक करना है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दोनों चीज चेक करेंगे। ठीक है, चेक करें यहाँ पर। तो सबसे पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं, तो वोल्टेज के लिए बैटरी लगाओ वहाँ पर और बताओ कि किस तरह से वोल्टेज चेक करना है। ये हमने बैटरी लगाई और मल्टीमीटर को 20 पे सेट किया, वहीं पे रख दो ना, जिस तरह से मैंने आपको चेक करके दिखाया था वैसी सारी चीजें चेक करके, ठीक उसका यूज करो। ये देखिए, अब हम इस पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये आपने यहाँ पर बैटरी लगा दी है इसकी, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी है इस आईफोन की। अब हम इस पे वोल्टेज चेक करने के लिए हमने फोन मल्टीमीटर को कितने पर सेट किया हुआ है, 20 वोल्ट पे, 20 वोल्ट पे सेट किया है। कौन सा प्रोब कहाँ रख रहे हैं ये भी बताओ। ब्लैक कलर का प्रोब है, इसको ग्राउंड पे रखना है। अच्छा, करें ग्राउंड ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं दिख रहे हैं, वोल्टेज नहीं मिल। ये देखिए, ये इन्होंने स्पिन पर टच किया हुआ है और यहाँ पे मैं आपको फोन पे भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ग्राउंड किया हुआ और एक पिन वहां रखी हुई है और वोल्टेज आपको नहीं मिल रहा है। और लगाए रखो, जो चीज इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है वही चीज मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जहाँ पे हमने रेड कलर का टिक दिख रहा है वही हमारा, हाँ दिखा दो उंगली, दिखा दो उंगली करके, कर दो टच कर दो, ये देखिए यहाँ पर। तो अब यही चीज, अब यहाँ पे हमने वोल्टेज चेक कर लिया। तो अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर, तो अभी हमने यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लिए हैं, अब मुझे बताओ कि अब यहाँ पे क्या चेक करना है। इसके बाद हम इसमें रेजिस्टेंस चेक करेंगे, वो 500 से ऊपर होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। ये सप्लाईओ का नॉलेज है। अच्छा, ये 500 के ऊपर होनी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस मान लो, क्या क्या फॉल्ट हो सकता है इसमें, इसमें लीकेज हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। अपने पास जो केस है, क्योंकि इसमें क्या केस, इसमें दो केस कौन से बनेंगे, कौन सा एक केस नहीं बनेगा इसमें, शॉर्ट तो बनेगा ही नहीं क्योंकि उस कंडीशन में सेट रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होगा। तो इसमें कौन सा कंडीशन बन रहा है, ओपन या तो लीकेज, तो हमें वोल्टेज तो आ नहीं रहे, तो ये लीकेज में भी हो सकता है। तो अब हम इसलिए हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए कौन सी विधि यूज कर रहे हैं हम, कूल टेस्टिंग करें। तो ये सारी सीखी है यहाँ पर, हाँ यहीं पे सीखी है। चलिए बढ़िया है। तो यहाँ पर बजट मोड पे रख लिया हमने, यहाँ पर स्पीकर बजा रहे हैं उसका। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक सोनी का मोबाइल है, स्पीकर सेक्शन, इसमें हम बजा रहे हैं और इसको हम आईसी से बजाएंगे। ठीक है, ये मान के चलेंगे सारे टिप्स निकल गए हैं और आईसी से किस तरह से हम रिंगर को बना सकते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हैं, तो रेड वायर को ग्राउंड करना है। चलो इस तरह से हमने रख लिया, तो वहां पे दिखा दो जरा बोर्ड को, उसमें दिखाओ ना माइक्रोस्कोप में, बहुत बढ़िया माइक्रोस्कोप है दोस्तों। ये मैं रिकमेंड करूंगा सभी टेक्नीशियन भाइयों को, जिनके बाद में अगर बजट नहीं है बड़ा माइक्रोस्कोप लेने का, और मेरे हिसाब से बड़ा माइक्रोस्कोप दोस्तों वही जन लें जो आईसीओ पे काम कर रहे हैं, जो ईएमसी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा तो दोस्तों वो माइक्रोस्कोप किसी काम का नहीं है। आपको ये छोटे माइक्रोस्कोप ही बेस्ट है, ये आप जाके ले सकते हैं। ये देखा जाए तो ये हमने माइक्रोस्कोप ये हमने बाबा केबल से लिया है, काफी अच्छा दिया है उन्होंने और काफी अच्छे दाम पे दिया है, तो आप ये उनसे खरीद सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे कूल टेस्टिंग कर रहे हैं, कूल टेस्टिंग कर रहे हैं, इसमें रेजिस्टेंस चेक करेंगे। देखिए, और जिस पिन पे हमने टच किया था उसी पिन पे हम देखिए, अब यहाँ पे हमको देखिए दोस्तों रेजिस्टेंस तो हमें यहाँ नहीं मिल रहा है, तो ये कौन सा फॉल्ट हो रहा है यहाँ पर, ओपन ही है। देखिए अभी लगाए रखो, ये देखो यहाँ पर हमने टच किया और आपको यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ पर भी हमने एक सिरा ग्राउंड पे रखा हुआ है और एक सिरा यहाँ पर हमने टिप्स पे रखा हुआ है और यहाँ पर हमें रीडिंग नहीं आ रही ओपन केस में। अच्छा ये बताओ, ओपन केस में अब हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस आता भी तो कहाँ से आता, आईसी से, और उसके पहले उसके मतलब क्या क्या चीज दिखती है आपको, आईसी कंपोनेंट और टिप्स। तो अभी डायरेक्ट आईसी तो निकालोगे क्या इसमें, नहीं, नहीं।
तो मतलब मैं क्या कौन सा इसमें कंपोनेंट कैसे दो कनेक्शन में लगे होंगे? सीरीज और पैरेलल। तो इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है? इसमें सीरीज सीरीज में क्या क्या लगा हो सकता है? रेजिस्टेंस और कॉइल। चलिए तो इसमें हम चेक करते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करें? वैसे अगर बिना सर्किट डायग्राम के बन जाएगा इसमें? सर्किट डायग्राम की तो दिक्कत नहीं है ना, उसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक भी बताइए ना जल्दी काम होने के लिए। ठीक है, अब बाकी आप पीवी में बताओ, पीवी में किस तरह से चेक करना है ताकि भाइयों को पीवी में समझ में आए। पीवी में हम यहाँ क्लिक करेंगे और ये देखो दो कंपोनेंट लगे हुए हैं इसमें। हाँ, एक तो जिनर डायोड लगा हुआ है। जिनर डायोड लगा है तो ये डायोड सीरीज में होगा कि पैरेलल में होगा? पैरेलल में। तो ये तो हमारा ओपन कंडीशन है ना, तो ये हमारे कोई काम का है क्या? नहीं, कोई काम का नहीं है। फिर और ये दूसरा है, ये कॉइल है, कॉइल लगा हुआ है। तो हाँ, इस कॉइल में ये सीरीज में है ना? हाँ, सीरीज में। अपन ये कॉइल चेक करते हैं, ये कॉइल हमारा ठीक है कि नहीं है या क्या फॉल्ट है। और इस कॉइल में हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप में दिखा दीजिए वो कॉइल पहले। ठीक है, ऊपर से वो टेप हटाओ, सामने से वो टेप आ गया है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कनेक्टर दिखाओ, कनेक्टर के आईसी के बगल में वो देखिए। हाँ, वो दिख रहा है, देखो टिप्स दिख रहा है आपको। हाँ, तुमको दिखाओ उसमें आई वो सुई रख के दिखाओ। ये हमारा कॉइल है, इससे पहले वाला, ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला। तो ये कॉइल तो हमारा निकला हुआ है यहाँ पर। हाँ, जनरली ये निकल जाता है दोस्तों, कई बार ये होता है टेक्नीशियन इसको टेप निकालने के चक्कर में कई बार ये कॉइल निकल जाते हैं, कई टेक्नीशियन भाई हमारे निकाल लेते हैं। कई बार ये हो जाता है कि कॉइल ओपन हो जाता है, लगा भी होगा तो आपको क्या दिखाएगा? ओपन। ठीक है, कॉइल लीकेज भी हो जाता है, वो कंडीशन भी आपको यहाँ पर, अगर आपको सीखनी है तो आप चाहे तो यहाँ आ सकते हैं, मैं आपको सारी कंडीशन यहाँ पे सिखाऊंगा। दूसरी, अगर ये कॉइल भी अगर नहीं होता, मान लो ये कॉइल के टिप्स भी निकल जाए तो भी हम बना सकते हैं ना, उसके आगे हम आईसी तक ट्रेस करके बना सकते हैं। चलो उस कॉइल पे कोल्ड टेस्टिंग करो और ये बताओ कि रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम कॉइल पे उसके टिप्स पे हम ट्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा दो। हाँ, बोर्ड। हाँ हाँ, बिल्कुल बढ़िया। तो देखिए एक और तो हमें एक आ रहा है, एक और एक आ रहा है, और दूसरी ओर देखिए दूसरी ओर, मतलब यही यही रेजिस्टेंस को हमें क्या लगाना है? जम्पर लगाना है। और जम्पर लगा के अगर इसमें जम्पर से काम नहीं हुआ तो फिर क्या करना पड़ेगा? कॉइल लगानी पड़ेगी। चलिए ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम कॉइल लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें उस ओर वोल्टेज भी मिल सकता है क्या? हमें मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है। कि आपको इस तरह का वीडियो पूरे YouTube में नहीं मिलेगा जिस तरह से हम ट्रेसिंग यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। ठीक है, एक आईफोन लेवल पे हम आपको ट्रेसिंग समझा रहे हैं। ये देखो हमारे नीरज भाई जम्पर लगा रहे हैं। दिखाओ माइक्रोस्कोप में, लगा कि नहीं लगा? कनेक्टर के पास में हो गया, यही वाला था ना? हाँ, ये चेक करो, यही है ना? हाँ, वोल्टेज चेक करो आप, उस पर वोल्टेज आगे कि नहीं आए। अब मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जम्पर वाला काम हो चुका है। तो बता दो कि हम जो रेजिस्टेंस आ रहा था वो बेसिकली हमारा कहाँ आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा था और कहाँ हमें आना चाहिए, एक बार पीवी में भी तुम भी समझा दो जरा। यहाँ पर माउस ले लो हाथ में। ये देखो दोस्तों, जैसे कि हमने चेक किया था, ये हमारा जो ये पिन है, ये जो हमारी टिप्स है, ये हमारी टिप्स ओपन थी। तो इसके साथ जैसे कि हमने चेक किया, ये दो कंपोनेंट इसके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, ठीक है। तो एक तो इसके साथ पैरेलल कंपोनेंट है, जो कि ये हमारा डिवाइड है, डायोड है, डिवाइड तो पैरेलल में, तो इसका हमारे को जरूरत नहीं। जैसे इसके बाद हमने ये चेक किया, ये हमारी सीरीज में कॉइल लगी हुई थी। ठीक है, ये देखो ये सीरीज क्या सीरीज के कॉइल लगी थी। इस कॉइल को हमने चेक किया तो इस कॉइल पे ओपन आ रही थी ये कॉइल, तो इसको अब हमने जम्पर लगा दिया, शॉर्ट किया। तो अब हम वापस कनेक्टर पे ही रेजिस्टेंस दिखाएंगे। दोबारा अब हम इस टिप्स पे चेक करेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस वापस आया या नहीं। ठीक है, सो करें। देखो आपको मल्टीमीटर भी दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, और आपको पीछे आपको माइक्रोस्कोप दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम आपको यहाँ पर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि रेजिस्टेंस हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है कनेक्टर पे। बहुत बारीक काम करना पड़ता है आईफोन में,
तो देखिए दोस्तों ये हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है 915, ये देखिए ये लगा रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर दिखा देते हैं, बोलो ये पहले हमारा ये रेजिस्टेंस आ रहा था इस पे, तो अब देखो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है, पहले तो रेजिस्टेंस आ रहा है तो उसमें वोल्टेज भी आ रहा होगा, तो अब अपन डायरेक्ट चालू करके एक बार चेक करें, एक बार चालू करके इसको चेक करें, पूरा पीसीबी को अब असेंबल करें वापस, तो हमने ये डिसेंबल किया था, ये असेंबलिंग कर रहे हैं, आईफोन पे इससे पहले काम किया था आपने? नहीं सर, मैंने फर्स्ट टाइम आईफोन पकड़ा, नहीं तो इसलिए हाँ, क्योंकि लोग ये सोचे कि हमने उसी स्टूडेंट को बुलवाया जो आईफोन पे काम कर रहा है ऑलरेडी, जो सप्लाई अप्लाई सब सीख आप समझ में आ रही है यहाँ पर, बहुत अच्छी तरह सर सर ने हमें यहाँ पर समझाया, रिबॉलिंग किया आज आपने? रिबॉलिंग भी आज हमने किया, मैंने फर्स्ट टाइम रिबॉलिंग किया, कभी की नहीं थी पहले, तो रिबॉलिंग बिल्कुल सही किया आपने, बिल्कुल सही किया, मतलब आपने वो क्योंकि रिबॉलिंग का जो टेक्निक हमने बताया है वो आपको है ना बिल्कुल प्रॉपर था सर, प्रॉपर थी यहाँ पर, अभी आप लोग भी तो रिबॉलिंग कर चुके हो, कैसे की आपने रिबॉलिंग? बढ़िया की है, समझ में आई? पहली बार में सही हो गया था सर, पहली बार में सही हो गया, तुमने बताओ पहली बार किया था रिबॉलिंग यहाँ पर, रिबॉलिंग किया, बढ़िया है, ये हमारे साथ तुम्हारा भी रिबॉलिंग का कर रहे हो, आयो थर्ड सेक्शन है, कर चुके थर्ड सेक्शन है, कर रहे हैं ये रिबॉलिंग, तो यहाँ हमारे साथ ये स्टूडेंट बैठे हुए जो ये रिबॉलिंग कर रहे हैं हमारे, आज हमारा रिबॉलिंग का ही दिन था बेसिकली, तो ये आपके लिए माइक्रोस्कोप काफी अच्छा रहेगा, आप इस पे काम कर सकते हैं, बट क्योंकि हम इसमें चेकिंग वेकिंग कर सकते हैं, अगर आपको आईफोन लेवल पे जंपर लगाना है तो माइक्रोस्कोप आपको बड़ा वाला लेना पड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमने फोन को पूरा असेंबल कर चुके हैं, अब हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हमारा ठीक मोबाइल फोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जो हमारा मोबाइल फोन पहले नहीं हो रहा था ऑन, अब हम उसको देख रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे फोन हमारा ऑन हो गया, बहुत बढ़िया, एक बार इन दोनों के लिए ताली बजा दो यार, तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने आईफोन लेवल पे समझा कि क्या फॉल्ट आता है और पावर की का क्या मसला होता है, इन्होंने सर्किट डायग्राम समझे, बिना सर्किट डायग्राम से भी पहले हालांकि मैंने इनको सप्लाइयां भी सब समझाई हैं, सबसे मेन चीज होती है कॉम्पोनेंट की नॉलेज, उसके बाद क्योंकि कॉम्पोनेंट ही नॉलेज ये बताता है कि कौन से कॉम्पोनेंट बेसिकली क्या काम करता है, उसके बाद क्या क्या नॉलेज होती है, मेन क्या क्या नॉलेज होती है, अगर हमें कॉम्पोनेंट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, उसके अलावा हमें सप्लाई की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, और फिर ट्रेसिंग ये भी करना आना चाहिए, ये सारी चीजें हैं, कोई सर उखाड़ लेता है लगा देता है, पर जो एक मेन नॉलेज है ना सर वो मेरे ख्याल से यहाँ पर आके सभी को मिले, और जबकि यहाँ पे कॉम्पोनेंट यहाँ पे कितने टाइम में सिखा दिए थे सर, सर ने हमें दो दिन में तो कॉम्पोनेंट की पूरी नॉलेज दे दी थी, पूरे सारे कॉम्पोनेंट चेकिंग के साथ में, चेकिंग फिर सप्लाई, स्विच सप्लाई, और ये भी कहाँ कहाँ लगे होते हैं, किस तरह लगे होंगे, सीरीज में लगे होंगे, पैरेलल में, तो अभी बताओ एसर टेलीकॉम या आपका यहाँ आना क्या रहा, आपका डिसीजन ठीक रहा कि नहीं रहा? अच्छा रहा, वैसे मेरा फ्रेंड भी पहले यहाँ पर आके गया, उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप जाओ वहाँ पर बहुत अच्छा सिखाएंगे आपको, अच्छा मुझे लग रहा है कि मैंने मतलब अपने पैसे वेस्ट नहीं किए यहाँ पर आके, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, आप लोग की क्या राय है यहाँ पे एसर टेलीकॉम की? से बाकी बहुत अच्छी राय है, मेरे को मतलब कंपोनेंट्स के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम था, मतलब कुछ नहीं जानता था, जीरो लेवल से स्टार्टिंग की थी इसकी, बाकी यहाँ के बहुत अच्छी जानकारी मिली है, मतलब जो सोचा था वो मिल गया है यहाँ पर आकर। अच्छा स्पीकर सेक्शन किया अपने, जबकि अपने सेक्शन हुआ भी नहीं है, सेक्शन का हुआ है क्या अपना? फिर भी स्पीकर में अगर मैं बोलता हूँ तुमसे कि किसी भी फोन का नीचे की बॉटम कनेक्टर टूटा हो, वहाँ तो कर देंगे सर अच्छी तरीके, हाँ सर, B2B केबल टूटा हो, ICO के आसपास के कंपोनेंट से तुम स्पीकर बजा दोगे, ये तुमने यहाँ कुछ प्रैक्टिकल किया है यहाँ? ठीक है चलो बढ़िया है, तो दोस्तों ये एसर टेलीकॉम के स्टूडेंट का रिव्यू, और यहाँ पर बस एक क्लास थी यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से यहाँ पे हमारे स्टूडेंट यहाँ पे काम करते हैं, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको समझ में आया हो, और इसी तरह आप हमारे चैनल से कनेक्ट रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे सीखने आना है तो नीचे दिए नंबर पे, दोस्तों अगर आप कॉल कर रहे हो हम कॉल नहीं उठा रहे हैं तो आप समझिए, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसा कोई मैनेजमेंट बिठा के नहीं रखा है कि 10 लड़कियां और आपको 10,000 बार कॉल करके 10,000 ऑफर दे रही है, यहाँ पे जेन्युइन काम होता है, एक ही बैच एक महीने में पढ़ाते हैं, इसलिए आप उस नंबर पे SMS कीजिए एड्रेस अपना और लिखिए कि सर हम आपको आपसे एडमिशन चाहते हैं, तो हम आपको कॉल कर ही लेंगे और आपका किसी ने एक महीने में आपका एडमिशन हो जाएगा, हर महीने की 28 तारीख का बैच लगता है, राजेश गुप्ता आपसे उसमें आपको बात करेंगे, तो ठीक है, थैंक यू, मिले रहें इसी तरह, सब्सक्राइब करते रहें और जुड़े रहें इसी तरह, जय हिंद जय भारत।
दोस्तों नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों उसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से सीपीयू की किस तरह से पहचान होती है या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल या लिखिए एशिया टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, ये आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। तो भी मेरे को 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएगा तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर, जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, बहुत अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, 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 ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक। वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात, पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो तरक्की बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए जो टेक्नीशियन लोग, तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए हुए जो 2-3 स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे, अच्छा देते थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगा और मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने 7 महीने नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर रहे मतलब हम बोल रहे सभी हमें पैसे नहीं दिए हैं बोले, मेरा फिर बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी ये भी बोलते हाँ हमें बोलना है कि इंडियन के लिए बोलना,
नहीं जो हम बोल रहे हो हम खुद का बोल रहे हैं, हमें प्रेशर नहीं है कि कहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उस ग्रुप चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल यहाँ पे आया, उसे टेलीकॉम को चुना। तो आप सर 100% सर्टिफाइड है, और यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा सवाल डाल सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा स्कूल खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था दूँ कि मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुसने ही से मतलब इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, जो कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Monsoon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.